देखो, ये दोनों ही कोर्सेज बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा या फिर कौन सा अच्छा स्कोप है जिसको आगे जाके अच्छा करियर मिलेगा, यानी अच्छा इनकम मेरा को सैलरी जनरेट हो पाए। तो अगर हम बात करने वाले हैं आज BMLT एंड BMRIT दोनों का क्या डिफरेंसेज है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उनका मतलब क्या होता है, यार आप कितने साल का एक कोर्स है, कितना आपका यहाँ पे फी होगा, और आफ्टर दैट आप कितना सैलरी बना पाओगे इन सब कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद, क्या करियर स्कोप है फर्दर इन फ्यूचर। तो अगर हम बात करें BMLT की, तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम BMRIT की बात करें तो होता है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्लीट है। उसके बाद अगर हम बात करें BMLT की, तो यहाँ पे इसके अगर हम वर्क की बात करें तो ये ज़्यादातर फोकस करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक पे, यानी इनमें आपको जो काम मिलेंगे, यानी ये इस कोर्स को परस्यू करने के बाद जो जिस तरह के जो आप काम करते हैं उसमें हो गया ब्लड हो गया यूरिन हो गया टिश्यू एंड अदर जो बॉडी के फ्लूड है उसको आप एनालाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो किसी प्रकार के डिजीज को। अपने देखोगा कि बहुत ही बेसिक काम है, मतलब बेसिक है या फिर हर डिजीज को डायग्नोज करने के पहले ये सबसे बेसिक काम है जो कोई भी कहीं भी और हमेशा ज़रूरत होने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर यही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपना खून या यूरिन या फिर जो भी है आप टेस्ट करा के लाओ। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है इस तरीके से आप सोचोगे तो। तो अगर हम इसमें कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हेमाटोलॉजी हो गया या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी, जैसे इसमें कोर्स सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम BMRIT की बात करें, बिल्कुल डोंट वरी, हम फी पे भी चलेंगे और सैलरी पे भी बात करेंगे कि आप इसके बाद कितना इन दोनों में क्या सैलरी होने वाला फ्यूचर में। ओके, तो अगर हम BMRIT की बात करें तो दे कंसंट्रेट ऑन मेडिकल इमेजिंग, जिसमें आप देखोगे CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब वगैरह वगैरह इसमें आता है। तो ये डील करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं इमेजिंग इक्विपमेंट को, लाइक कि एक्सरे मशीन हो गया या फिर CT स्कैनर हो गया, MRI स्कैन मशीन हो गया या अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, इन सब चीज़ों के ये ऑपरेट करते हैं। सो अगर हम इसमें भी बात कर लें कि इसके कोर सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, तो रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग टेक्निक्स हो गया, रेडिएशन फिजिक्स हो गया एंड इमेज प्रोसेसिंग वगैरह, आपको चीज़ें यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो एक शब्द में अगर कहना चाहें कि जो BMLT प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में काम करते हैं और एक तरीके से आपके जो सैंपल होते हैं उसे वो एनालाइज करते हैं, वो ये BMRIT वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपके इमेजिंग को ऑपरेट करते हैं, जो भी इमेजिंग इक्विपमेंट हो गया उसे वो ऑपरेट करते हैं और डायग्नोस्टिक इमेज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। द लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी कितना होने वाला है आफ्टर परचिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, तो आप जानते हो कि सैलरी जो होता है वो स्टेट टू स्टेट, कहाँ पे आप कर रहे हो, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो बट एक ओवरऑल हम आइडिया लगा सकते हैं आफ्टर ऑल कि क्या मिनिमम कितना होने वाला है, ताकि आप थोड़ा सा अपना आपको रख पाओ वहाँ पे और समझ पाओ कि क्या इतना में मेरा हो पाएगा या नहीं। तो आप जब आपने काम देख लिया कि क्या काम करने वाले हो, तो आई नो कि आपको तो इतना आइडिया होगा कि आप कहीं भी किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी के साथ भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर एक डिजीज में आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप समझ सकते हो कि आप इसके अनुसार इनकम कितना बढ़ा सकते हो, अगर आप ऐसे लोकेशन में हो जहाँ पे आसपास में सिर्फ अस्पताल है एंड देर इज़ नो एनी लैब जो सैंपल को एनालाइज करते हैं या फिर CT स्कैन करते हैं, तो इन डैट केस आपके पास ही तो सारे मरीज जाएंगे और आप उसमें अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। तो दोनों ही केस में, चाहे आप BMRIT की बात करो या BMLT की बात करो, दोनों ही केस में आप अकॉर्डिंग टू डिमांड कि आप किस लोकेशन में अपना पर्टिकुलर सेटअप को सेट कर रहे हो तो वहाँ पे उसका डिमांड कितना है, या फिर वहाँ पे आसपास में अस्पताल रहेंगे तो पास में तो कोई भी अस्पताल आपके साथ, मतलब आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हो इस तरीके से। बट अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, ये तो हुआ कि आप अपने अनुसार, मतलब आप अपना सेटअप खुद करके और इस तरीके से रिवेन्यू बना सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिपिकली रेंज आपका जो हो सकता है सैलरी का वो INR 20,000 से 30,000 पर मंथ के आप मान सकते हो, और वहीं एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल होते हैं वो INR 60,000 से 80,000 पर महीने के भी बना सकते हैं और इससे भी ज़्यादा, इवन मोर अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टैक्ट एंड प्लेस कहाँ पे वो अपना सेटअप को सेट कर रहे हैं। वहीं BMRIT की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपका INR 25,000 से 35,000 पर मंथ हो सकता है, बट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की बात करें तो वो 70,000 से 90,000
पर महीने बना सकते हैं एंड इवन मोर। लिमिटेशन नहीं है या ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस पर होती है, डिमांड पर होती है कि आपका सेटअप कहाँ पे सेट है। अगर अच्छे मतलब शहर में हो तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे, यानी नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ रहे हैं ये आपका रेवेन्यू के डबल ट्रिपल करने में हेल्प करेंगे, डोंट वरी। सो आई होप कि वी आर क्लियर कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा। एट द एंड हम बात करें तो दोनों ही कोर्सेज अपने डिमांडिंग के अनुसार काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी आप जनरेट कर सकते हो इन फ्यूचर।